हेलो एवरीवन, हमारे ड्रामे का मेन लीड एक बहुत ही हैंडसम सा फाइटर जेट पायलट है और उसका नाम है कैप्टन करण। कैप्टन करण अपने फील्ड में बहुत एग्रेसिव नेचर रखता है और इसी वजह से उसे वहाँ पर थंडर का नाम दिया गया है। स्टोरी के स्टार्ट में दिखाते हैं कि वो अपने को पायलट्स के साथ अपने एक मिशन पर गया हुआ होता है, लेकिन वहां से वापसी पर उसके इंजन में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से हर कोई परेशान हो गया था। उसके ऑफिसर ने उसे ऑर्डर किया था कि वो इजेक्ट हो जाए, लेकिन उसे खतरों से खेलने में मजा आता था। वो इजेक्ट होने की बजाय अपने फाइटर प्लेन को किसी तरह से संभालता है और इस तरह से वापस आता है कि जैसे कुछ हुआ भी नहीं था। उसे जिंदा और सलामत देखकर हर कोई खुश हो गया था, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन जब वो वापस पहुंचता है तो एक तरफ उसके फ्रेंड्स तो खुश थे, लेकिन उसका बॉस उसे बहुत डांटता है। उसके ऑफिसर का कहना था कि उसने अपनी जान पर खेलकर एक गलत फैसला किया है, लेकिन कैप्टन करण ने कहा कि अगर मैं वहां पर प्लेन को छोड़ देता तो वो आबादी पर गिरता, इसीलिए उसने इतना बड़ा रिस्क लिया था। कैप्टन करण बहुत स्किल्ड था, लेकिन उसके ऑफिसर को उसकी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर हर टाइम पर अपनी जिंदगी पर रिस्क लिया करता था। उसके बाद एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड की, जिसका नाम है डॉक्टर आइरीन। डॉक्टर आइरीन एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर अपनी रिसर्च लैब में काम कर रही होती है, लेकिन आज फिर से उसके रिजल्ट्स फेल्ड रहते हैं। वो बहुत सैड हो जाती है, लेकिन इतने में उसे याद आता है कि उसकी मम्मी भी इसी बीमारी से लड़ते लड़ते अपनी जान दे गई थी, लेकिन उन्होंने मरने से पहले उससे वादा लिया था कि तुम कभी हार नहीं मानोगी, बल्कि अपने डैड के साथ मिलकर तुम इस रिसर्च को कंटिन्यू रखोगी ताकि उसकी मॉम की तरह किसी और को सफर ना करना पड़े। आज ये सारा कुछ याद करते हुए डॉक्टर आइरीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसे दोबारा से हिम्मत मिलती है और वो फिर से काम में लग जाती है। उधर हमें कैप्टन करण को दिखाते हैं, उसका भी एक ट्रेजिक पास्ट था। एक दफा एक टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम ब्लैक आयरन था, उन्होंने हमला किया था और उसकी फियांसी को होस्टेज बनाकर बाद में उसकी जान भी ले ली थी। ये सारा मंजर और जिस तरह से उसकी फियांसी ने उसकी हाथों में जान दी थी, ये कैप्टन करण को कभी भी नहीं भूलता था। वो बहुत घायल हो गया था, लेकिन उनसे बदला नहीं ले पाया था। उसी हादसे के बाद से ही कैप्टन करण की नेचर बहुत एग्रेसिव हो गई थी। आज भी उसके ऑफिसर उसको यही बोलते हैं कि थोड़े दिनों बाद हमारी कम्बॉच ट्रेनिंग एक और कंट्री के साथ स्टार्ट होनी है, लेकिन मैं सोचूंगा कि तुम्हारा नाम उसमें रखा भी जाए कि नहीं। और इसकी वजह वही इंसिडेंट था जिसके जख्म आज भी कैप्टन करण के दिल में ताजा थे। उसका बॉस उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम वो सारा कुछ भूल क्यों नहीं जाते, क्योंकि तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। उस सिचुएशन में तुम जितना कर सकते थे तुमने मैक्सिमम किया। अब ये सारा कुछ भुलाकर तुम आगे मूव करो, क्योंकि तुम मेरे सबसे स्किल्ड पायलट हो, लेकिन जिस तरह से तुम बार बार डेथ को चैलेंज करते हो, ये मुझे पसंद नहीं है। उधर डॉक्टर आइरीन अपनी रिसर्च कर रही होती है एज यूजुअल, लेकिन आज उसके सक्सेस रेट एकदम बढ़कर 65% तक आ चुके थे। ये देखकर वो इतनी एक्साइटेड होती है कि फौरन से अपने डैडी के पास उनको ये न्यूज़ देने जाती है, पर उसे पता चलता है कि उनके फाइनेंसर ने उनकी हेल्प करने से इनकार कर दिया है, प्रोजेक्ट क्लोज करने का ऑर्डर किया है। फौरन से डॉक्टर आइरीन दौड़ती हुई जाती है और उनको ये रिजल्ट्स दिखाती है। अब उनकी मेडिसिन की सिर्फ ह्यूमन टेस्टिंग रह गई थी, उसके बाद वो लोग सक्सेसफुल हो सकते थे। ये देखकर उनका फाइनेंसर भी हैरान रह जाता है और अप्रूवल दे देता है। अब एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद वो लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब थे। वो अपने डैड के साथ अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके डैड के पीछे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लगी हुई हैं और वो उनको धमकाती भी हैं कि वो उनकी या उनकी बेटी की जान ले लेंगे। एक्चुअली उसके डैड के पास कुछ ऐसा मटेरियल था, ऐसा रिसर्च डाटा था जो उनको चाहिए था। अब अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर करण अपने यूजुअल चेकअप के लिए अपनी एक कजन सिस्टर के पास जाता है जो कि डॉक्टर ही थी। इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती लग रही थी, लेकिन वहां पर उस डॉक्टर को पता चलता है कि एक पेशेंट बच्चा जिसका नाम टॉन था वो वहां से भाग गया है। अब उस हॉस्पिटल से निकलते हुए इत्तफाक से करण और आइरीन की टक्कर हो जाती है। आइरीन के ग्लासेस गिर गए थे। जब करण उसे वो उठा कर देता है तो वो जब करण को देखती है तो देखती ही रह जाती है। लगता है कि किताबों से बाहर वो पहली दफा निकली थी और रोमांस को फील करने लगी थी। करण जितना स्वीट और जितना काइंड था, कोई भी लड़की उस पर फ्लैट हो सकती थी।
जब कैप्टन करण बाहर आता है तो वो उसी बच्चे टॉन को वहाँ से भागने की तैयारियों में देखता है, तो उसे उठाकर वो अंदर ले जाने लगता है क्योंकि उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। वो बच्चा बहुत चीखता चिल्लाता है, शोर मचाता है, करण से कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। इतने में आइरीन चिल्ला कर करण को डांटती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो। वो हैरान रह जाता है कि इतनी यंग सी मामा इस बच्चे की। उसके बाद वो उस बच्चे का बैग वहाँ छूटा देखता है तो उस बैग में एक फाइटर प्लेन था। वो देखकर जान जाता है कि इस बच्चे के क्या एम्स हैं। उसने टॉन को डांटा था तो वो उसे मनाने के लिए अब आइरीन की परमिशन लेता है। वो उसके पास जाकर उसे बताता है कि जब तक तुम बिल्कुल हेल्दी नहीं होते तो तुम फाइटर प्लेन कैसे उड़ा सकते। मेरा भी बचपन से यही सपना था। जब टॉन को वाकई कंफर्म हो जाता है कि कैप्टन करण एक फाइटर पायलट है तो वो बहुत खुश होता है और उसकी हर बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। डॉक्टर आइरीन भी उस समय कैप्टन करण से बहुत इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन अचानक से टॉन की कंडीशन बिगड़ जाती है और यहाँ पर कैप्टन करण की कज़न उसे बताती है कि तुम्हें शायद थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये आइरीन का एडॉप्टेड सन है, इसकी तो खुद की शादी भी नहीं हुई। वो लोग टॉन पर एक मेडिसिन रिसर्च कर रहे थे और इसीलिए उसको एडॉप्ट भी किया हुआ था, अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखते थे। अब उसकी कज़न यही चाहती थी कि किसी तरह से आइरीन और करण का मैचअप हो जाए क्योंकि वो दोनों इकट्ठे अच्छे लगते थे। जब करण वहाँ से जा रहा होता है तो आइरीन उसके पास आती है उसे थैंक्स करने के लिए, लेकिन बहुत देर हो गई थी, एलिवेटर आ ही नहीं रही थी और डॉक्टर आइरीन को तो देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने आज से पहले कोई हैंडसम लड़का देखा ही ना हो। वो बार बार करण को देखे जा रही थी, वो भी काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहा था। इतने में एक स्ट्रेचर की टक्कर से उसे बचाते बचाते वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और आइरीन तो करण की नज़रों में ही खो जाती है। डॉक्टर आइरीन का तो खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन कैप्टन करण काफ़ी पर्सनैलिटी वाला था, वो खुद को संभालता है और वहाँ से निकल जाता है। उधर जब से डॉक्टर आइरीन के डैड को धमकी मिली थी, उन्होंने अपने रिसर्च लैब की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी थी, अब हर किसी की वहाँ पर चेकिंग होने लगी थी और वो वहाँ के सारे रिसर्चर्स की बॉडी में एक ट्रैकिंग चिप भी इंसर्ट कर देते हैं। उधर कैप्टन करण की एयरबेस पर अब्रॉड से एक टीम आती है जिनके साथ काम करने के लिए वो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके ऑफिसर ने उसका नाम बैकअप में रखा है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा के तौर पर खुद को देख कर करण का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। उसके बाद कैप्टन करण के ऑफिसर थॉन वो उसी रिसर्च लैब में जाते हैं। उनका वहाँ से कनेक्शन था क्योंकि आइरीन के डैड ने उनको हेल्प के लिए बुलाया था। वो पहले मिलिट्री में डॉक्टर हुआ करते थे और अब सिक्योरिटी इश्यूज में वो उनकी हेल्प चाहते थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि पार्ट ने खुद से ही आइरीन और करण का मैचअप कराना स्टार्ट कर दिया है। वो एक जगह पर आइरीन को अपने साथ ले जाती है और अपने कज़न को भी वहीं पर ही बुला लेती है। अब थोड़ी देर बाद उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है, उसे इमरजेंसी में जाना पड़ता है और वो डॉक्टर आइरीन और कैप्टन करण को अकेले छोड़ जाती है और ये भी कहती है कि इसी के साथ वापस आना, यही तुम्हें ड्रॉप करेगा। आइरीन रोमांस वगैरह में बिल्कुल भी अच्छी नहीं, वो शर्माते शर्माते एक पेपर एरोप्लेन बनाकर कैप्टन करण में क्रैश करा देती है। करण का अपने ऑफिसर की बातों की वजह से थोड़ा सा मूड खराब था, ये बात पार्ट ने आइरीन को भी बता दी थी, वो उसको चीयर अप करने के लिए आती है। यहाँ पर करण उसके बनाए हुए प्लेन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता है और उसे दोबारा से फ्लाई कराने को कहता है, लेकिन वो फिर से उसे नहीं उड़ा पाती। अब करण बहुत ही रोमांटिक स्टाइल में उसे खड़ा करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे एक टेक्निक सिखाता है, जिसके बाद उनका प्लेन उड़ता ही चला जाता है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने कैरियर के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं और कैप्टन करण थोड़ा तो लाइट फील करता है। करण की हेयरिंग और ऑब्जर्विंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, वो यहाँ पर भी उसे एक साइकिल की टक्कर से बचाता है और उसके बाद उसे ड्रॉप करने की ऑफर करता है। पर आज से पहले आइरीन कभी भी बाइक पर नहीं बैठी थी, वो शर्माते शर्माते एक साइड पर बैठती है तो करण उसे साइड चेंज करने को कहता है। करण बहुत ही स्वीट था, सारा रास्ता आइरीन ऑकवर्ड फील कर रही थी लेकिन वो उसे कंफर्टेबल फील कराता रहता है। यहाँ पर काफ़ी रोमांटिक मोमेंट्स भी आते हैं। उसके बाद दोनों अपनी अपनी लाइव्स में बिजी हो जाते हैं। वो रिसर्च लैब में काम करती है जबकि कैप्टन करण को अगले दिन प्रैक्टिस करने का मौका मिल ही जाता है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जैसा उसका नाम था थंडर। वो अपनी ओपोनेंट टीम को भी इम्प्रेस कर देता है। उधर हमें डॉक्टर आइरीन को दिखाते हैं, उसके पास उसका एक कोलीग आता है जो आज उससे अपने दिल की बात एक्सप्रेस करता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे इस रिसर्च लैब में आया हूँ, लेकिन तुम मुझ पर नज़र भी नहीं डालती, सिर्फ एक फ्रेंड की नज़र से क्यों देखती हो। यहाँ पर आइरीन की उससे थोड़ी लड़ाई हो जाती है क्योंकि उसने उसे दूसरी नज़र से कभी भी नहीं देखा था।
लेकिन विट की हरकतें कुछ सस्पिशियस थी। वो किसी से चोरी चोरी फोन पर बातें भी करता था और ऐसे लगता था कि जैसे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला हुआ है। उधर करण का ऑफिसर थॉन आज उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जिसमें डॉक्टर आइरीन और उसके डैड का डाटा लिखा हुआ था। वो कहता है कि इनके पास कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनके पीछे हैं और ये मेरे फ्रेंड हैं, इसीलिए हमें डिफेंस डिपार्टमेंट से ऑर्डर आए हैं कि हम इनकी सिक्योरिटी को बेटर करें, और इस काम के लिए उन्होंने कैप्टन करण को चूज़ किया था। उधर रिसर्च लैब में दिखाते हैं कि आजकल आइरीन के डैड बहुत परेशान थे और वो बिल्कुल करेक्ट भी, उनकी लैब पर आज टेररिस्ट अटैक कर भी देते हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल बन जाती है। उन्होंने बहुत से लोगों को होस्टेज कर दिया था, लेकिन आइरीन और उसके डैड भागने में कामयाब हो जाते हैं और सबसे पहले तो वो अपनी हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि उनका सेंसिटिव डाटा कहीं लीक ना हो। उसके बाद वो आइरीन की ट्रैकिंग चिप बंद करते हैं। वो अपने ऑफिसर दोस्त को फ़ोन करते हैं। ऑफिसर थॉन करण और उसके फ्रेंड्स को रेस्क्यू मिशन पर भेज देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि आइरीन के डैड ने खुद को तो फंसा दिया था, लेकिन आइरीन को बचा लिया था। उनको तो टेररिस्ट किडनैप करके ले जाते। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा कि आइरीन को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप्टन करण को उससे फेक मैरिज भी करनी पड़ेगी। ये कहानी कैसे इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।